नमस्कार दोस्तों, महर्षि अगस्त्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और उपयोगी टॉपिक है। 7 जनवरी 2018 से शनि देव उदय होने वाले हैं, इसकी वजह से 5 राशियों को मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। आप जो भी चाहेंगे वो मिलेगा। आप लोगों को शायद ये मालूम होगा कि 5 दिसंबर 2017 से 7 जनवरी 2018 तक शनि अस्त रहने वाला है और इसकी वजह से जो भी प्रभाव बनेगा उसमें से 5 राशियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 5 दिसंबर मंगलवार को सुबह 10:26 पर शनि अस्त हुए थे और उसके बाद अभी 7 जनवरी तक शनि ग्रह अस्त ही रहेंगे, जो कई राशियों के लिए लाभकारी होगा और कईयों को राहत मिलेगी। जिन राशियों पर शनि भारी हो उनको भी आराम मिलेगा। 5 दिसंबर से 8 जनवरी 2018 तक शनि अस्त हो गए, यानी धनु राशि में बैठे शनि डूब गए हैं। सूर्य से शनि अस्त होते हैं। सूर्य शनि की बुराइयों को ख़त्म करेगा और विघ्न बाधाएं कम करेगी। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से 5 राशियों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। पर उससे भी पहले एक ज़रूरी सूचना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप क्लिक कीजिए। वहाँ पे एक बेल आइकॉन बना होगा जैसा फ़ोटो में आपको दिखाया जा रहा है, आप उसको क्लिक कीजिए। इससे ऐसा होगा कि आपको जितने भी नए वीडियोस हैं जो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको उसको टाइमली नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल पे बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड, टोटके से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड होता है, स्किन ब्यूटी से रिलेटेड होता है, तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो वो प्रभावहीन हो जाता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 होती है उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा हो जाता है। शनि के अस्त रहने से जिन राशियों को के ऊपर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है वो उनके रुके हुए काम भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। इन राशियों को आर्थिक लाभ होने का भी योग बन रहा है। तो हम लोग चलते हैं कि वो देखते हैं कौन सी राशियां हैं। फिलहाल शनि की 7.5 वाली राशियां बहुत परेशान हैं और पढ़ाई नौकरी व्यापार नहीं चल रहा होता है, कर्जा चढ़ा हुआ है, कलेश या बीमारी बढ़ी हुई है, उनके लिए भी खुशखबरी है। शनि की महादशा और अंतरदशा वालों को राहत मिलेगी। जिनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की कोई अंतरदशा चल रही है उनके काम बनते नहीं है, पढ़ाई खराब होती है, सरकारी नौकरी या किसी भी तरह का नौकरी या व्यापार नहीं चल रहा होता है, प्रमोशन नहीं हो रहा होता है, कर्जा चढ़ रहा होता है, पैसे नहीं टिकते हैं, समझो उन लोगों के ऊपर शनि भारी पड़ी है। 7 जनवरी 2018 से जिन राशियों को इसका प्रभाव पॉजिटिव होने वाला है, जो अच्छा समय आने वाला है, उन राशियों के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे बाकी के राशियों के बारे में भी। तो जो फायदेमंद राशियां हैं 5 राशियों में से, सबसे पहला मेष राशि है, उनके लिए राज्य पक्ष मजबूत होने वाला है, उनके कर्म क्षेत्र की उन्नति होने वाली है, वैसा योग बन रहा है, आर्थिक लाभ के कार्य बनेंगे, भाग्य उन्नति पर होगा और घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होने के चांसेस होंगे। साथ ही साथ उनकी पद प्रतिष्ठा का भी मान सम्मान भी काफ़ी बढ़ेगा और पदोन्नति का भी प्रमोशन होने के भी उत्तम योग बने हैं। जो दूसरी राशि है जिसको बेनिफिट मिलने वाला है वह है मिथुन राशि। उनके भी भाग्य पक्ष बहुत मजबूत है, व्यापार बहुत बढ़िया होने वाला है, परिवार में भी साझेदारी से जुड़ा हुआ कार्य में सफलता मिलने के योग है, विवाह का योग है और प्रेम संबंध से जो भी उनके चांसेस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं और उसमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी रही होगी वो सुधार होने के चांसेस हैं और सक्सेसफुल लाइफ आगे बनने वाला है। तीसरी जो राशि है वो है लियो, सिंह राशि। उनके आर्थिक क्षेत्र में आने वाली जितनी भी परेशानी रही होंगी उन पर शांति मिलेगा और सहयोग से आराम से सब कुछ काम चल रहा होगा। शिक्षा से संबंधी या संतान से संबंधी कोई भी समस्या अगर होगी वो भी कम होने वाला है, वो भी खत्म होगा और जो कार्य रुका हुआ होगा वो भी पूरा होगा। संतान को विदेश जाने के अवसर मिलेंगे और उनको आर्थिक लाभ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। जो चौथा राशि है जिसको एक अच्छा फल मिलने वाला है वो है तुला राशि। उनके लिए भाग्यवर्धक
कई सारी यात्राएं होने के चांसेस हैं, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा और उसके बाद उनका पराक्रम बढ़ेगा, उनका काफ़ी नाम सम्मान मान सम्मान होगा, उनके रिश्तेदारों भाइयों से काफ़ी सहयोग मिलेगा, काफ़ी फैमिली उनकी सपोर्टिव हो जाएगी। जो पांचवी राशि है जिसको बेनिफिट मिलने वाला है इस संयोग का, वो है कुंभ राशि। उनकी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और एक एक करके बहुत सारे नए नए स्रोत आते जाएंगे व्यापार में, खास करके अगर वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में खास सफलता मिलेगी और कोई भी जो रुका हुआ धन है, कहीं अगर फंसा हुआ धन है, वो भी निकल जाएगा, उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और बाकी के राशियों के बारे में भी हम बात करते हैं। तो वृषभ राशि के लोगों के लिए जो भी काम काज में सामान्य रुकावट होगा तो वो भी जल्दी ही हल हो जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए कोई भी किसी भी तरह का अगर रोग अभी तक तंग करता आ रहा होगा या उनके शत्रु परेशान करते आ रहे होंगे तो दोनों की कमी आ जाएगी, रोग भी कम हो जाएगा, ऋण भी कम हो जाएगा। और कन्या राशि वालों के लिए सामाजिक सक्रियता में काफ़ी योगदान बढ़ जाएगा। अगर मकान लेने के लिए या अगर गाड़ी किसी तरह से गाड़ी से संबंधित कोई भी कार्य अगर फंसा हुआ होगा, रुका हुआ होगा, तो वो भी पूरे होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं तो उनकी आर्थिक परेशानी जो भी होगी वो खत्म हो जाएगा और आर्थिक वृद्धि का योग है, संपत्ति बन सकते हैं, मकान बन सकता है, वाहन बन सकता है। धनु वालों के लिए जो भी उनसे जुड़े हुए जो भी उनके भाई बहन से जुड़ा हुआ कार्य होगा उसमें थोड़ी भागदौड़ होगी, कठिन परिश्रम का योग होगा, लेकिन उनमें भी धीरे धीरे सुधार आने के चांसेस हो जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए कुछ बाहरी क्षेत्रों में यात्रा का योग बन रहा है और थोड़े से जो उनके शत्रु हैं उनका भी मनोबल गिरेगा और आप अच्छा फल पा रहे होंगे। मीन राशि वालों के लिए उनके जो कर्म क्षेत्र हैं वो थोड़े वृद्धि होने के आसार दिखते हैं, नए नए कार्य आने वाले हैं, जो भी उनका कुछ नया व्यापार में अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वो एक्सपेंशन कर सकते हैं, उनका प्रमोशन होने के चांस का योग बनता है। और रोजगार, अगर वो जॉब करने वाले ढूंढने वाले लोग हैं तो उनका जॉब मिलने के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलते जाएंगे। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर का अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। और मेरे इस वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए, दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।